70 वर्ष हो गए, आज तक शौचालय नहीं देखा हमारी धी बेटियों ने, क्या कहेंगे हम। इस वक्त हम मौजूद हैं बेला स्टेट के अंदर, जी हाँ, बेला गांव, जहाँ पे किसान अपने लिए और आपके लिए यहाँ अनाज उगाते हैं, ताज़े फल और सब्जी उगाते हैं, वही जो आपको सुबह सुबह मंडियों में ताज़ा मिलता है। लेकिन आप उम्मीद करिए कि अब आपको वो नहीं मिलने वाला, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि अब आप अपना बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से चलने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पार्क विदेशी सैलानियों को इस जगह को दिखाने के लिए बनाया जा रहा है, लुभाने के लिए बनाया जा रहा है। देश के किसान हर साल लगभग 12 से 17 हज़ार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? शिवशंकर है मेरा नाम। शिवशंकर जी, क्या मसला, क्या मामला चल रहा है यहाँ पे? मसला तो भाऊ जी बहुत दिन से भगाने का चल रहा है, कोर्ट के द्वारा बैठे रह जाते हैं, कभी उजड़ जाते हैं, कभी कुछ होता रहता है। और इन्होंने 2011 में एक बार बिल्कुल डेमोलिश कर दिया था हमको जी, फरवरी में, 6 साल पहले। हाँ, 2011 में जी, फरवरी के लास्ट वीक में जी। उसके बाद में 13 में किया, फिर उन्होंने फिर 14 किया, 15 किया, 16 किया, 17 किया, 18 में भी कर दिया, और अब तो हमारा बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। यहाँ कितने परिवार हैं सारे जो ये इस मामले से इफेक्ट होगा जिनके? ये 300 से कुछ ऊपर हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, इतना परिवार तो है। और दूसरी बात क्या है कि परिवारों के फैलाव भी हो गए, अब बच्चे जवान हो गए, जैसे कि मेरे पास खुद 5 बच्चे हैं, न रहने को जगह, न खाने पीने की कोई, कमाने का नहीं। सरकार तो कोई सुन के ही राजी नहीं, तमाम प्रधानमंत्री जी को लगा दी एप्लीकेशने, गृह मंत्रालय लगाई, विकास मंत्री जी को लगाई, गवर्नर जी को लगाई, हमारे पास जो जवाब पड़े हैं वो पड़े हुए हैं, कोई सुनाई नहीं किसी भी तरह की। कितने साल से यहाँ पे आप बेला स्ट्रीट में आप लोग रह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि हम जाति से मल्ला लोग हैं, और हमारा तो रजवाड़ों के टाइम से ही बंधा हुआ है यहाँ का, कोई आज का नया नहीं है। क्योंकि हमारे जो नाना बताते थे, वो कहते थे बेटा ये लोहे का पुल पहले एक बना हुआ था, दूसरा हमारे सामने बना, क्योंकि हमारे नाना जी को कोई ज़्यादा गुजरे हुए समय नहीं हुआ है। अब ऐसी ऐसी बातें बताया करते थे वो, जो कि यहाँ पे तमाम झाड़ झक्कड़ थे, ज़मीनों को तोड़ तोड़ के इसमें से अपने फावड़े की शारीरिक शक्ति से और ज़मीन को आज एकसार और उपजाऊ बना दिया। आज सरकार को वो वाली बात है कि चिकनी चिकड़ी रोटी देख के नो क्यों ललचावे जी, मीसी कूसी खाए के अपना ठंडो पानी पी, भैया अब चौकी ज़मीन दिख रही है भगा देंगे। अब सरकार तो सरकार है, अब हमारे पास तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिससे हम आपने न्याय के लिए यहाँ पे लड़ाई भी लड़ना शुरू की, यानी कि कानूनी जंग, कानून क्या रहा उसमें? कानूनी जंग बहू जी, हम तो इतने पड़े हुए हैं नहीं, अब जो वकील लोग कहते रहे हम भी करते रहे, और जो पैसा था देते रहे, लास्ट में आ करके अब उन्होंने ख़त्म कर दिया मामला हाई सुप्रीम कोर्ट से। मतलब पहले आप फसल उगाइए, उसे बेचिए, और उसके बाद में जो पैसा है वो वकीलों को दीजिए। वकीलों को तो कंगाल हो गए हैं साहब, यहाँ पे हमारा जी भी नहीं लगता, पहले तो फसलें उजाड़ देते हैं, फिर कोर्ट को भी लाए, अब लाए तो लाए का, हमारे पास तो रोटी है ना कपड़ा, कुछ भी नहीं है। कितना खर्चा हो जाता है आपका कोर्ट कचहरी में? कोर्ट कचहरी में काफ़ी पैसा खर्च हो गया बाबूजी, हमने तो लिखा नहीं है, फिर भी देखो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। मतलब जितना आप लोग कमाते थे उतना क्या पूरा? उससे तो बहुत ज़्यादा चला गया कर्ज में, 20,000 रुपये के नीचे तो मैं खुद दब गया, मैं दूसरे की किसकी कहूँगा बाबूजी। कर्जा ले करके हाँ, अभी फिलहाल मैंने 2,000 रुपये लिए, जब ये डिसमिस हुए, जब इसी की बात है, वो सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन, उधार लिया वो, अब उधार में दूंगा कहाँ से बताइए। तो फाइनली आप लोगों के केस का क्या चल रहा है? केस का तो वो वकील लोग बता रहे हैं, कहने लगे भाई तुमको 4 हफ्ते का टाइम मिला है, और 4 हफ्ते के अंदर, या तो इसको 4 हफ्ते में कुछ वो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको कर दो। अब हमको तो मालूम, मतलब? अंगूठा निशानी दे दो कि भाई हम 2 साल में खाली कर देंगे, 2 साल का टाइम मिला है आपको। अच्छा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये 28 दिन के बाद में से हमको भगा देंगे 4 हफ्ते के बाद। फिर अब कहाँ जाएंगे, कहीं मौत जिंदगी का मुँह देखेंगे और क्या होगा। कोई इन्होंने आपको? हमारे पास बाबू जी कहीं भी पूरे भारतवर्ष में, ये यहाँ की क्या बात कर रहे हैं, कहीं भारतवर्ष में इस ज़मीन के अलावा कोई जगह भी तक नहीं है। अच्छा, रहने के लिए भी? तो कुछ नहीं बताया गया कि आपको यहाँ से कहाँ ले जाएंगे? अभी तक तो कुछ बताया नहीं है बाबू जी, अब क्या करेंगे, पहले तो पटरियों पर लोग रह लेते थे, आज हम इतने बड़े अड़ंगे को कहाँ ले करके जाएंगे।
यानी कि फसल कहाँ उगाएंगे आप? फसल भी कहाँ उगाएंगे, रहने की सबसे बड़ी समस्या हो गई हमारी जान से आगे, इतने गड़ंगे को इन बच्चों को परिवार को लेकर के छोटे छोटे ये मासूम बच्चे। अब क्या देश के नेताओं से, राजनेताओं से कुछ अगर आप गुहार लगाना चाहें? लगाएंगे बाबू जी गुहार, उनसे भी लगाएंगे, अगर वो सुन लेंगे हमारी तो ठीक है। जी क्या कहना चाह रहे हैं आप हमारे न्यूज़ के माध्यम से उनसे कह सकते हैं? हम तो यही कहते हैं कम से कम हमें रोजी रोजगार मिल जाए जी, और रहने के लिए जगह मिल जाए। और हमारे को क्या चाहिए अब गरीब किसानों को? भाई किसान को या गरीब देश के जो भी गरीब लोग हैं हमारे, उनको क्या चाहिए? रहने के लिए घर चाहिए छोटा मोटा, और अपने बस रोजी रोजगार मिल जाए जिससे दाल रोटी चलती रहे, इतने में सबर करता है गरीब तो और क्या करेगा। करते हैं सरकार आपको देने के लिए तैयार है? अभी तो कोई उम्मीद नहीं है सर। आपको मुकदमा लड़ते हुए? मुकदमा लड़ते भी काफ़ी समय हो गया बाबू जी, लेकिन सवाल यह है कि अभी तक हमारे को कहीं अस्थायी रूप से सरकार ने किसी ने बसाया नहीं है। जैसे कि झांगी पंजाबी लोग देश आज़ाद हुआ तो बेचारे गरीब वो एक थैला या खाली हाथ आया, चार बर्तन थे, उससे ज़्यादा क्या लेकर के आए वहाँ से? वो कहीं पटरी पे पड़ गए, स्कूल में पड़ गए, धर्मशाला में पड़ गए, कहीं रह सह करके उन्होंने अपना गुजारा किया। सरकार ने उनको मदद की ना, उनको रोज़गार भी दिया, छोटे मोटे प्लॉट भी दिए, जिससे आप अपना जीवन तो अब स्वच्छ गुजार रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं उनके। हम तो बनना तो बच्चे ही पढ़ाने के, न किसी और के। 70 वर्ष हो गए आज तक शौचालय नहीं देखा हमारी धी बेटियों ने, क्या कहेंगे हम? विजय घाट के ठीक पीछे बैठे हुए हैं, शौचालय भी नहीं है यहाँ, शौचालय भी नहीं है। 70 वर्ष हो गए, मेरी उम्र 67-68 वर्ष की हो गई, बताओ अब तक शौचालय तक नहीं है, ना कोई स्कूल, ना कोई व्यवस्था, कुछ भी नहीं। यहाँ तो कुछ भी नहीं आज तक गवर्नमेंट ने कोई बुजुर्ग किया ही नहीं है, कांग्रेस ने किया ना बीजेपी ने किया हमारे लिए। तो हम तो जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे हैं, जी चाहे जब DDA वाले आते हैं हमको उजाड़ देते हैं, कह देते हैं तुम्हारे बाप की ज़मीन है। अब बताओ इस बात को हम क्या कहें? किसी को जुबान थोड़ी पकड़ी जा सकती है, जो भी मर्जी आप कह दो।